हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोयना मीडिया में। दोस्तों, जैसे आज आपने थंबनेल देखा होगा, क्यों है ये इतने खास सिक्के? तो दोस्तों, जो वैल्यू आप देख रहे हैं 13,000 और 6,500, तो दोस्तों ये डीलर प्राइस है जो कि कलेक्टर को लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना। कलेक्टर को यही रेट बताते हैं इन दोनों कॉइनों के। अब ये कौन से कॉइन है दोस्तों, पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ इन दोनों कॉइन पे, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, सर इन दोनों पे फुल इंफॉर्मेशन दे के वीडियो बनाइए, ठीक है। तो मेरे को आप फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे थे इसके लिए, और आपने व्हाट्सअप भी बहुत लोगों ने भर रखे हैं, बस किसी कारण इस पे वीडियो आ नहीं पा रही थी। और मैंने वीडियो देखी भी है, कई लोगों ने आपको ठीक से पूरी जानकारी नहीं दी है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी दोनों कोइनों में फ़र्क देख सकते हैं। मैं पूरी अच्छे से बताता हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी ये वीडियो, मगर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए खास रहेगी, ठीक है ना। पूरी आपको मदद करेगी ये, कौन सा कॉइन आपको अपने कलेक्शन में रखना चाहिए और कैसे आप उस कॉइन को पहचान सकते हैं जो हज़ारों में है उसकी कीमत। और दोस्तों मैं आपको वही है, मैं आपको मौका भी दूंगा, आप मेरे से कलेक्शन में ले सकते हैं ये वाले दोनों सिक्के, वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कौन से सिक्के हैं। तो पहले दोस्तों आप देख रहे हैं 5 रुपीज़ का कॉइन निकल ब्रास का, जो कि दोस्तों गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशन के ऊपर था, ठीक है। इसमें भी दोस्तों दो वैरायटी आती है, एक फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक। आज मैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक से सुनना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, ठीक है। सबको मैच करके सही से बताऊंगा आपको। अब जो कि इसका मेटल था वो निकल ब्रास था, वेट इसका 6 ग्राम है, साइज इसका 23 mm है, थिकनेस इसकी 2 mm है, शेप इसकी राउंड है, ठीक है। बॉम्बे मिंट की तरफ से ही आया था दोनों, और इसमें रेयर भी बॉम्बे मिंट है, वो आपको कैसे पहचाननी है, दोनों मिंट में फ़र्क है, ठीक है। यही चीज़ आपको मैं क्लियर समझाऊंगा, तभी आपको पता लगेगा आपके फर्स्ट स्ट्राइक है या सेकंड स्ट्राइक है। सेकंड स्ट्राइक की वैल्यू कुछ नहीं है, 5 से 10 रुपये ही है जो आपके पास है, ठीक है। अगर वह UNC में भी है, पैकेट में है, तब भी उसके 10 ही रुपये मिलेंगे। अगर वो आपका फर्स्ट स्ट्राइक निकल जाता है तो दोस्तों जो 6,500 रुपये आपने देखी है वो आपको मिलेगा, आप बाजार से खरीदेंगे तो, ठीक है ना। मेरे पास रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध होते हैं ऐसे रेयर सिक्के, तो मेरे से आप बात कर सकते हैं आपको चाहिए तो। अब इसमें आप देखिए फ़र्क क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से वीडियो आपको ठीक से समझने की ज़रूरत है। देखिए जो आप ये इस टाइम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सेकंड स्ट्राइक का सिक्का है, ठीक है। अगर वो न्यू सिक्का होगा बिल्कुल इसकी तरह, तो वो इस तरीके से दिखेगा। अब आप एक बार फर्स्ट स्ट्राइक भी देख लीजिए, ये है दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का, ठीक है। इसमें चमक तो है, शाइन तो है, मगर इसके साथ एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। कई लोग बताते हैं बस आपको फिनिशिंग देख लीजिए, ठीक है, शीशे वाली शाइनिंग होगी इसमें, उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है वो आपको नहीं बताई जाती। तो मैं तो आपको पता ही है, जब वीडियो बनाता हूँ तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बनाता हूँ। आप ये ठीक से देखिए, दोनों को मैच करके दिखा रहा हूँ आपको। अब वो पता नहीं आपको क्यों नहीं बताते, या उनको नॉलेज नहीं है, या वो आपको बताना नहीं चाहते, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। अब ये आप देखिए एरो के माध्यम से, पहले ये इसके ऊपर भी लिख देता हूँ मैं, ये नॉर्मल है और ये रेयर है, फर्स्ट स्ट्राइक है, ठीक है। दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, शाइनिंग फेस आप फ्रंट से देखेंगे तो इनको, ठीक है। अशोका पिलर आपको दिख रहा है, और इसका फेस फ्रंट से देखने पे, इस पर आप एरो के माध्यम से देखिए, ये इसको देखिए चारों तरफ से, इसके जो एजिस है वो फ्रंट से ही देखने में आपको दांत वाले एजिस दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये इसकी एक पहचान है। एक और महत्वपूर्ण पहचान बताने वाला हूँ, ये देखिए बैक साइड में, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए पहले बिग डॉट है उसमें, डायमंड की बिग डॉट आपको दिख रही होगी, मिंट मार्क देखिए डायमंड का, वो बड़ा है जो नॉर्मल में है, और जो स्मॉल है वो फर्स्ट रैक में लगा हुआ है। दोनों में मिंट मार्क में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है, एक स्मॉल मिंट है और एक बिग मिंट है, ये भी इसकी एक पहचान है, ठीक है। इसके साथ साथ तो आप आसानी से आप फ़र्क कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का है तो उससे मैच करिए उसको, ठीक है। दोस्तों बहुत मुश्किल से आपके लिए एक ऐसी वीडियो मैं तैयार करता हूँ, तो अभी लाइक कर दीजिए, आगे आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड कौन सा सिक्का है वो भी देख लीजिए, जिसकी वैल्यू 13,000 रुपये डीलर लोग इस टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा बोल रहे हैं क्रॉप साइंस जाएगा, क्योंकि इसके मिंटेज है ओनली 5,000, ठीक है। तो 5 ही हजार सिक्के बने हैं बस। अब देखिए इस सिक्के में
आपको कई चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक से वीडियो सुनना। वीडियो लंबी होगी मेरे को पता है, मगर आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा आपका फर्स्ट स्ट्राइक का है सेकंड स्ट्राइक का है। कई मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास ये सिक्के हैं, मगर उनको पहचान नहीं पता फर्स्ट और सेकंड की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी भी जानकारी दे रहा हूँ, एक के साथ साथ दूसरे कॉइन की भी, क्योंकि ये दोनों ही रेयर है, दोनों ही फर्स्ट स्ट्राइक के हैं। अब ये मैसूर वाला आप लोगों को पता है, इस टाइम इसने आग लगा रखी है, कई यूट्यूबरों ने बोला भी है इसको दूसरा क्रॉप साइंस है, तो बिल्कुल ये बन सकता है आने वाले टाइम में क्रॉप साइंस। अब क्रॉप साइंस की क्या है फिल्म ये समझिए आप पहले, ये 1996 में आए थे 11,000 सिक्के क्रॉप साइंस के, ठीक है ना, तो वो आज जाके 35,000 तक इसकी वैल्यू पहुंच गई है। जैम यूएनसी कंडीशन में है तो 35,000 तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉप साइंस के बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट स्ट्राइक के। और ये अभी आया है 2015-2016 में, तभी इसकी वैल्यू देख लीजिए आप, कोई 12,000, कोई 13,000, कोई 10,000 भी मांग रहा है, ठीक है ना, इससे ऊपर ही है, 10,000 प्लस ही चल रही है अभी इसकी वैल्यू। अगर जहाँ से भी आपको रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है तो आप उठा लीजिए, फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ 5,000 सिक्के बने हैं और क्रॉप साइंस बने थे 11,000, ठीक है ना, ये उससे भी आधे बने हुए हैं, तो इसलिए आप समझिए इस सिक्के की आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है ना, घाटे का सौदा नहीं है इसमें। तो ये सिक्के को आप पहचानना कैसे है, कई लोग यूएनसी सेट का भी निकाल के दे रहे हैं, लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको, जब वीडियो बन रही है तो पूरी ठीक से बन रही है। अब आप ये देखिए, पहले देखिए मैसूर का ये है एक नॉर्मल कॉइन, ठीक है ना, ये आप ठीक से देख लीजिए, ये नॉर्मल है, मैं आपको क्लोज करके सब चीज़ अभी दिखाने वाला हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए, आपके कलेक्शन में भी ऐसा कोई होगा मैसूर का तो उससे मैच करना, ये वाला कोई नॉर्मल है, मतलब सेकंड स्ट्राइक है, और ये भी सेकंड स्ट्राइक ही है, मगर इसमें क्या है दोस्तों, मैसूर में कई सारे एरर भी आए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मेटल भी आया है, ये आप प्रिंटिंग भी देख सकते हैं, इसमें जो गोल गोल करके बनाए हुए हैं सर्कल, तो इसमें ये एरर है, ये ऐसे एरर के साथ भी 100 रुपीज़ का ये कॉइन बिक रहा है मार्केट में, ठीक है, अगर यूएनसी में है तो। और मैसूर का पूरा पैकेट भी आप देख सकते हैं बिकता हुआ, सेकंड स्ट्राइक का वैल्यू देख लीजिए आप पूरे पैकेट की, 750 रुपये ओनली, ठीक है ना, तो ये पूरा 100 पीस का पैकेट है तो 750 रुपये में बिक रहा है सेकंड स्ट्राइक का। कई लोग इसका प्रूफ सेट में से सिंगल कॉइन निकाल के भी 6-6 हज़ार का बेच रहे हैं, बस उसकी पहचान क्या है, नीचे आपको मिंट मार्क में एम दिखेगा, ठीक है, एरो के माध्यम से देखिए वहाँ पे एम लिखा हुआ है, वो प्रूफ सेट का कॉइन है, ठीक है ना, ये समझिए आप, ये वाला आपको कलेक्शन के लिए नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्ट्राइक चाहिए, कौन सी फर्स्ट स्ट्राइक जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। अब ये है दोस्तों जो आपको ढूंढना है, मैसूर का फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, इसको आप ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भी मैं आपको बोलूँगा अशोका पिलर जहाँ पे दिख रहा है उसकी साइड में जो एजिस है इसके बाउंड्री पे, उसके देखिए दांत आपको फ्रंट से देखने में ही दिखेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, आसानी से आप उसको देख पा रहे हैं सर्कल को, ये इसके एजिस को, ठीक है ना, एक तो फर्स्ट स्ट्राइक की ये पहचान होती है, दूसरी बताता हूँ आपको। और अब जो भी आए थे मैसूर के कॉइन, तो इसका मेटल जो था वो निकल ब्रॉन्ज ही है, निकल ब्रास, और वेट इसका 6 ग्राम है, साइज इसका 23 mm, थिकनेस इसकी 2 mm है, शेप इसकी राउंड है, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट में इशू हुए थे दोस्तों 2016 में। इसमें आपको फर्स्ट ट्रैक कलेक्ट करना है बस, ठीक है ना, अब इसमें यूएनसी सेट भी हैदराबाद मिंट में भी देखे गए हैं, वो भी आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए यूएनसी सेट भी देखे गए हैं इसमें, प्रकाश में आए हैं और मुंबई मिंट से भी आए हैं, तो ये आप देखिए, ये वाला सिक्का आपको कलेक्शन के लिए यूएनसी सेट में चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 रुपये का आपको ये वाला सिक्का मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर आपके पास बहुत सारे अब पड़े हैं कॉइन उनमें आपको कैसे पहचानना है ये आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको ठीक से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। देखिए कोई आपको यूएनसी सेट का सिक्का ना भेज दे उसमें आपको कैसे पहचानना है, ठीक है, ये पूरा आपके लिए लगा रखा है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको इसमें दिखेगा हिंदी में बिग गैप है, ठीक है ना, यह देखिए ये एक यूएनसी सेट का कॉइन है, मिंट मार्क भी आपको यूएनसी सेट में स्मॉल दिखेगा, ठीक है ना, सिंगल जो यूएनसी सेट आता है सिंगल, ये देखिए आप एरो का माध्यम भी हो रहा है इस पर, आप देखिए मिंट मार्क नीचे स्मॉल है, ठीक है, ऊपर बिग में लिखा हुआ है, हिंदी बड़ी में लिखी हुई है, और मैसूर की इसमें जो मात्रा है एरो के माध्यम से देखिए उसमें गैप नहीं है, ठीक
ठीक है ना। अब फर्स्ट ट्रैक को आप कैसे पहचानेंगे, जो रेयर है, जो 5 ही हजार सिक्के बने हैं, वो भी देख लीजिए। इन दोनों को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप देखिए मैसूर के, उसमें मात्रा में देखिए आप, गैप है, स्पेस है, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रैक की पहचान है। और दूसरा देखिए स्मॉल हिंदी का यूज़ किया गया है इसमें, देखिए आप दोनों को आप देखेंगे तभी आपको फर्क दिखेगा, ठीक है। और इसमें डायमंड मेंट भी देख लीजिए आप, ठीक है ना, बड़ा है, बहुत बड़ा मार्क है डायमंड का। दोनों को आप मैच करेंगे, अभी मैं दोनों दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा, प्रॉपर डायमंड की शेप दी गई है, बिग मिंट मार्क है, ठीक है। तो ये आपको देखेंगे तब आपको पता लगेगा आपका कॉइन फर्स्ट स्ट्राइक है या सेकंड स्ट्राइक है। किसी से आप लेते हैं तो तब भी आपको ये पहचान का ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। यही मैं आपको काम की चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए चाहिए तो ये वीडियो चल रही है, 4 कॉइन मेरे पास अवेलेबल है फर्स्ट स्ट्राइक के, ठीक है। ये आप देख लीजिए मेरे कलेक्शन में रखे हुए हैं, इनमें से एक सेल हो गया है, 3 अवेलेबल है। आपको चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, रिजनेबल प्राइस पे दूंगा दोस्तों, मार्केट रेट से कम ही रहता है मेरा। और दूसरा भी आप देख सकते हैं, गोल्डन जुबली का फर्स्ट ट्रैक के 2 कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके सामने इसीलिए वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, आपको पता लगे कि फर्स्ट ट्रैक और सेकेंड स्ट्राइक में फ़र्क क्या होता है। और मेरे पास रेयर ही आते हैं तो मैं फर्स्ट ट्रैक में डील करता हूँ इसमें जो रेयर है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, ये दोनों को मैंने लगा के दिखा दिया है आपको कि आपको फर्क कैसे करना है, ठीक है ना। एक नॉर्मल है और एक फर्स्ट स्ट्राइक है रेयर वाली, इन दोनों में देख लीजिए। मैसूर के ऊपर देखिए जो मैंने आपको मात्रा अभी बताई थी, इसमें आपको देखना है, इसमें आपको फर्क पता लगेगा। दोनों की राइटिंग देखिए कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे तभी आपको पता लगेगा दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक और सेकेंड स्ट्राइक में फर्क क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। एक लाइक जरूर करिए, वीडियो पसंद आ रही हो और आपको अपने कलेक्शन के लिए सिक्के चाहिए ये वाले, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।